जयपुर के अशोकनगर इलाके में स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो युवती और दो युवकों को गिरफ्तार किया है। स्पा सेंटर में लंबे समय से स्पा की आड़ में वैश्यवृत्ति का धंधा चलाया जा रहा था। एसीपी अशोकनगर नेमीचंद खारिया ने बताया कि लंबे समय से इलाके में देह व्यापार चलाए जाने की सूचना मिल रही थी। सूचना के आधार पर एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसने मुखबिर की सहायता लेते हुए एमजीएफ मॉल में दबिश दी। पुलिस ने एक बोगस ग्राहक बनाकर द हेवन थाई स्पा में भेजा, जहां पर युवतियां देह व्यापार के लिए तैयार हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने दो युवतियों के साथ ही संचालक व एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया है कि युवतियों को राजस्थान के बाहर से लाया गया था और जयपुर में लाकर देह व्यापार करवाया जा रहा था। पुलिस की आरोपियों से पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव राजस्थान। अनैतिक कार्य हो रहे थे तो हमने बोगस ग्राहक भेजकर भी कार्रवाई करवाई, जिसमें हमने दो युवतियाँ और मैनेजर को लेके आया। सर कहाँ के रहने वाले? मैनेजर आगरा का है मैनेजर। और युवतियाँ और कोई?